अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको मलाई रोल बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर, थोड़े से पिस्ते और 1 कप मलाई। सबसे पहले हम एक पैन में चीनी डालेंगे, इसके बाद मिल्क पाउडर, इनको मिक्स कर लेंगे। दूध लेकर इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने से पहले आपने चूल्हा नहीं जलाना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हम इसको चूल्हे पर रख लेंगे और ये जो मैंने 1 कप मलाई ली थी, ये मलाई घर की मलाई है, ये इसमें शामिल कर देंगे। डालने के बाद हम इसमें 2 कप दूध और शामिल कर देंगे और इसको मीडियम आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हम इसको करीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको आधा जो है वो अलग कर लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। ये बाउल में निकाल कर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाकी वाले के जो है हम गाढ़ा करके इसका खोया बनाएंगे। देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसको हमने बिल्कुल खोया बनाना है। देखें हमारा खोया तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर पिस्ता मिक्स कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम ब्रेड के 6 स्लाइसेस लेंगे और इनको किनारों से कट कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड के सारे पीसेस काट लें। अब हम इसको बेलन से प्रेस कर लेंगे ताकि हम इसका आसानी के साथ रोल बना सकें। अब हम इसके अंदर खोया रखेंगे और ब्रेड को रोल कर लेंगे। इसको आहिस्ता से रोल कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस में खोया भरकर इनको रोल कर लें। अब हम इनको एक बाउल में रख लेंगे। अब ये जो हमने रबड़ी बनाकर रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रबड़ी ठंडे होने पर इस पर डालनी है। बहुत ही मज़ेदार से मलाई रोल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें।